पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में आर्किटेक्ट है काका। हम उसी काका की बात कर रहे हैं जो इस वक्त सिंगर है और उसके दो गानों ने तो धमाल मचा के रखा है। एक गाना है लिबास और दूसरा गाना है तीजी सीट। ये दो गाने तो इतने ज़्यादा हैं और तीसरा अब जो सुपरहिट होने लग रहा है उसका नाम है टेम्पोरेरी प्यार। ये तीन गाने तो काका के इतने सुपरहिट हुए हैं कि हर कोई अचानक से काका के नाम को जानने लगा। वो काका जिसको लॉकडाउन से पहले कोई जानता भी नहीं था, इस नाम के किसी सिंगर के बारे में पता भी नहीं था कि पंजाब में इस नाम का भी कोई सिंगर बसता है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिस सिंगर ने सिर्फ चार गाने बनाए हैं अपने करियर में वो पंजाब का सुपरहिट सिंगर बन चुका है। और अगर कॉलेज के कॉन्सर्ट आज होने लगे और ये जो कोविड की रेस्ट्रिक्शन आज हट जाएं तो काका मोस्ट डिमांडिंग सेलिब्रिटी बनेगा, बड़े कॉलेजों में जाकर कॉन्सर्ट करेगा और लाखों करोड़ों में कमाएगा। और यहाँ सिर्फ इंडिया तक ही नहीं, काका सिर्फ चार गानों से इतना ज़्यादा फेमस सिंगर बन चुके हैं कि वो फॉरेन में भी जाकर उनके फॉरेन टूर होंगे, उनको ऐसे ऐसे स्पॉन्सर मिलेंगे। तो इन काका की आखिर पीछे की ज़िंदगी कैसी रही, यहाँ तक आने में उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोग बात करते हैं कि काका ने सिर्फ चार गाने बनाए और जो सफलता दी हाथ लग गई तो काका की किस्मत अच्छी है। लेकिन क्या वाकई में काका की किस्मत इतनी अच्छी है कि सिर्फ चार गाने बनाने की वजह से ही वो सुपरहिट स्टार बन गया, सुपरहिट सिंगर बन गया? तो बात करते हैं थोड़ा पास्ट के बारे में। काका एक पुअर फैमिली में जन्म लिया। काका का जो परिवार है बेसिकली एक फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, खेती बाड़ी करता है। खैर पंजाब में तो अधिकतर हर परिवार ही खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से आया है, लेकिन काका वाकई में गरीब परिवार से थे। और जैसे जैसे वो बड़े होते रहे उनके परिवार की हालत थोड़ी सुधरती रही और जब उन्होंने 12वीं पास की उनका परिवार कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली तो बन चुकी थी, क्योंकि उनके भाई तब तक नौकरी करने लगे थे जो काका के बड़े भाई हैं। जिसके बाद काका ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन साथ ही साथ आर्किटेक्चर जो उनको ज़्यादा पसंद था उस पर भी ध्यान दिया। और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बावजूद काका आर्किटेक्चर की नौकरी करते हैं और वो एक आर्किटेक्ट हैं। लेकिन उन्होंने एक गाना इससे पहले अपने YouTube चैनल पे डाला था जो काफ़ी सुपरहिट हुआ, उसके बाद उन्हें स्पॉन्सर मिले और उन्होंने स्पॉन्सर्स के लिए या म्यूज़िक लेबल्स के लिए कह लीजिए गाने बनाए। और इसके बाद उन्होंने अपना पहला गाना डिलीट कर दिया अपने चैनल काका पे से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका पहला गाना था और पहला ही सुपरहिट हो गया। दरअसल में काका को लिखने का शौक तो बचपन से था और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो देखते थे कि कैसे, बेशक किसी के पिता किसान भी हो लेकिन कैसे पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में अगर कोई अच्छा गाना बनाएगा कैसे सफल हो सकता है। तो वो लिखने का शौक था और धीरे धीरे उन्होंने गाना भी सीख लिया और वो कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि एक अच्छा गाना बने, लेकिन हर बार कोशिशें नाकाम हो जाती थी। लेकिन जैसा कि एक कहावत है कि लहरों से लड़े बिना कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बिल्कुल उसी तरह काका ने कभी कोशिश करना छोड़ा नहीं और अंत में उनको कामयाबी मिली। और कामयाबी भी ऐसी कि क्या हनी सिंह बादशाह के लेवल के उनके गाने आज पॉपुलर हैं। जिस लेवल पे हनी सिंह के गाने एक वक्त पे पॉपुलर होते थे, चाहे किसी का उस तरह के म्यूज़िक को लेकर टेस्ट हो या ना हो, लेकिन सुनते सब थे हनी सिंह के गाने, बिल्कुल ऐसा ही काका के ये गाने चल रहे हैं। खास करके लिबास, तीजी सीट और टेम्पोरेरी प्यार। चाहे कोई पंजाबी गाने सुनता हो या ना सुनता हो, चाहे कोई सैड सॉन्ग सुनता हो ना सुनता हो, चाहे कोई रोमांस सॉन्ग सुनता हो ना सुनता हो, लेकिन हर कोई ये गाने सुनते आपको दिखाई देगा। आपको अधिकतर गाड़ियों में ये गाने बजते दिखाई देंगे, हर शादी के डीजे पे गाने बजते दिखाई देंगे और तो और न्यू ईयर पार्टीज पे भी ये गाने बजते दिखाई दे रहे थे। और ये जलवा ही है काका की आवाज़ का कि चाहे कोई पार्टी ही क्यों ना मना रहा हो, इसके बावजूद काका का सैड सॉन्ग भी सुनना चाहता है। चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।